हमारा एक शॉपर मुझे लगता है फट गया इसमें। तो यार दूध देखो हम निकाल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत होंगे। अच्छा जितने नए लोग जिनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। सो गाइज अभी हम लोग कहाँ जा रहे थे, अभी हम लोग जा रहे थे इम्तियाज। हमजा सलाम करो। पता नहीं दिख रहेगा, इसको नीचे तोड़ दो फिर एफ बन जाएगा। खैर ई अच्छा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इम्तियाज, इम्तियाज से जाके हमें लेके आना है। मेरे हमें इम्तियाज से क्या लेना है, हाँ घर का राशन लेना है गाइज, हमें घर का पूरा राशन लेके आना है। तो अभी मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं, तो देखेंगे अगर सामान ज्यादा हो तो रिक्शा करा लेंगे, नहीं तो बाइक पे जैसे कैसे करके ले आएंगे इंशाल्लाह। ओ ओ ओ तो बस अभी चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और गाइज हमजा घर पे रहेगा, भैया आज आज घर पे। अली सलाम करो। भाई तुम भी सलाम करो। सलाम कर। अच्छा कैसे हो आप साहब? सही है भाई साहब। हमजा आप यहीं पे रुको, हम सामान लेके आते क्योंकि इतना ओ मीर मोए मोए कर। हमजा मोए मोए कर, मोए मोए हमजा के साथ मोए मोए हो गया, मोए मोए। चल मीर मीर आपने सलाम के ओ भूतू, हमजा भूतू आप। सलाम कर चलो आजा चले। देखो उठ रहा है, चल 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 भाग 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 जा भाई। ये बस बैठ गया। सो गाइस इम्तियाज में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर रश बहुत है क्योंकि संडे का दिन ना इस वजह से। तो मेरी वाइफ आगे खड़ी और मैं जरा मीर को लेके जा रहा हूँ नीचे की तरफ, चलते हैं और सारा सामान लेते हैं। चलो मीर आप इसमें बैठो, बैठो बैठो बैठो, चलो बैठो। फिर यहाँ से मिलिए अंडे ब्रेड, बाकी आगे चलते हैं, आगे से देखते हैं क्या कह रहे हैं। मीर हमें तंग कर रहा है बस बहुत सारा। खैर यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई और हम लोग आज कुछ नहीं थे, पिछली बार लिया था सही थे, बस इतने अच्छे खास नहीं थे। और गैस यहाँ से हमने लिए घी की एक पूरी कार्टून मतलब पेटी पूरी लिए, उसके अलावा दूसरी चीज़ें ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ से। सो गैस यहाँ से हम लोग लेंगे चीनी एक दो, अरे गिर ना जाए, फिर चीनी भी पूरी हो गई एक दो तीन। चलो और यहाँ पे राइस आ गया, कौन से ही लेते हो ना, हाँ। और ये रहे राइस गाइस, इनके ये वाले राइस अच्छे होते हैं, कौन सी है पूनम, हम पूनम नाशपति जो है। चलो चलो भाई यहाँ से एक लाल मिर्ची पाउडर उठा लेते हैं। तो गाइस हमारे पास इतना कुछ है, केचप ले लिया, बच्चों के लिए मैगी ले ली, चावल, और यहाँ से क्या ले, यहाँ पे सारे स्पाइसी मैगी नहीं, ये नहीं लेते हम लोग। और चॉकलेट तो हम लोग कल ले गए थे ना, हाँ चॉकलेट तो ले गए थे। ये क्या मैक्रोनी भी आ गई, क्या हुआ डिज़ाइन को छोड़ बस चलो, ये कचरा लग रहा है मुझे, चलो वो वाले अच्छे हैं जो पहले लिए, कौन से मोटे वाले, वैसे मैं दोनों नहीं खाता इसलिए मुझे कोई अच्छे नहीं लगते। और गैस यहाँ से हमने लिया तत्पाल, दूध भी मिल जाएगा भाई, एक मिनट रुक जा, तो रुक जा पीछे वाले साइड पर होगा पीछे, चलो। और ये रही गाइस दूध की मार्केट, अभी यहाँ से दूध भी ले लेते हैं हम लोग, दूध का है दूध। तो यार दूध देखो हमने कितने सर ले लिए, एक दो तीन चार, और इसके साथ हमने ये भी ले लिए, ये चोको चिप्स जो कि मीर और सारे बच्चे मिल के खाएंगे। मियाँ थक गया नीचे चलने, नहीं आज नीचे नहीं जा रहा ये, चलो भाई आज आज आप ही आगे देखते हैं कुछ लेने, कितना कुछ लोगे भाई, रेडी तो फुल हो गई हमारी, रेडी हमारी फुल होने जा रही है, ट्रॉली ट्रॉली रेडी नहीं ट्रॉली, सॉरी टू से गाइस ट्रॉली रेडी। और गैस यहाँ से हमें मिलेगी टूथपेस्ट, तो हम लोग लेते हैं भाई डॉक्टर या सेंसोडाइन, सेंसोडाइन लेते हैं क्योंकि ज़्यादा दांतों में दर्द रहता है। और सेंसोडाइन भी हमने दो ले लिए, एक अपनी एक आपा वालों की। चलो हैंड वॉश नहीं साबुन लो यहाँ से, हैंड वॉश वहाँ से दिल्ली करंट से मिलते हैं अच्छे वाले सस्ते वाले। अरे साबुन भी आ गए, अभी और क्या रहते हैं देखते हैं। और अब यहाँ से बच्चों के लिए कोई बिस्किट वगैरह देखते हैं, बिस्किट कहें भाई, ये रहे बिस्किट सारे बिस्किट बिस्किट बिस्किट, इनके डब्बे नहीं पड़े हुए, डब्बा लगता है पीछे वाली साइड पे नीचे पड़े हुए, नहीं यहाँ पे नहीं डब्बे हैं ही नहीं इनके। अब सेलेंटी किसके लिए भाई, सही है भाई सही है, मर्जी है तुम लोगों की, आपकी भी है, हाँ आपकी भी है, रुको यहाँ पे नहीं खा सकते। तो यार शॉपिंग हमने सारी कर ली, अभी इसको बोल रहा हूँ कि ये बाहर चले और मैं मीर को लेकर ऊपर से बाइक लेकर आता हूँ। चलो मीर चलो। तो यार शॉपिंग हमने कर ली, हमारी शॉपिंग हुई, फिर घर का राशन जो था 20,000 का आया। और मेरा मानना है कि संडे वाले दिन निकलना चाहिए, आगे पीछे करना क्योंकि इस दिन बहुत रश होता है।
यहाँ पर बाइक वगैरह नहीं होती, लेकिन सॉरी कार वगैरह नहीं होती। और आज देखें यहाँ पर भी कार है, रश मतलब इतना है। देखें कुछ इस तरह से हम लोग फुल होकर आएंगे। और हमारा एक शॉपर मुझे जब फट गया उसमें तो सामान भी गिर गया, क्योंकि ये इंजन के साथ लग रहा है। जब जब यहाँ से मैंने कुछ चीज़ लगाई ना, मीर या बुलाओ सबको, अली को भी बुलाओ। चलो ठीक है। तो गाइस अभी मैं घर पे आया था तो ठंडे का दिन है, नहीं आपने नहीं किया था, कब करोगे? तो नहीं सलाम करो इधर से। हमजा आपने क्या था? नहीं पता था, फिर अभी करो, अभी करो। चलो ठीक है, हाँ आपने किया। तो यार अब संडे का दिन था तो अभी जो ना अंधेरा भी होने पर मैंने सोचा कि 5-10 मिनट के लिए ना पार्क लेके चलता हूँ, चलो वहाँ पर खेल लेंगे, हमारे पास नहीं है तो वहाँ पर जल्दी चलते हैं। जंबो जाम पे नहीं लेके जा रहा, पागल हो क्या? जंबो जाम हां तब लेके गए थे जय बोल रहा हूं, जब तब आप यहां पे कैसे लगा था? हां मुझे चोट लगी थी यहीं पे, मुझे नहीं लगी। हां इसको नहीं लगे, आपने ये पहना हुआ था। अली ने, अली अली ने सलाम किया, किया तुमने? हां किया। चलो तो यार अभी हम लोग रुके थे यहां पर जेएस बैंक पर, यहां से पैसे निकलवाए हमारी, वैसे एमसी भी हम लोग रुके यहां पर थे, तो खैर कोई बात नहीं। अभी जो ना यहां से चलते सामने ही पार्क के जगह चलते हैं, अंधेरा होने वाला है वैसे। तो यार खैर अभी दिन थोड़ा सा रहता ही था कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, और मीर है, हमजा है, अली है, फादी है। चलो थोड़ी देर ये यहाँ पर इस पार्क में खेलेंगे। और इस टाइम हम लोग आए हैं जमजमा पार्क में। जी क्या हुआ? अले दुआ तो फूल ला ये दादा हमारे, अभी नहीं तोड़ना फूल, ठीक है? तो भाई साहब बहुत मुश्किल है, बाइक पर पार्किंग लगाओ, ये करो वो करो, और दिन भी गुजर, सिर्फ दुआ नहीं हमारे साथ। चलो चल। और यहाँ पर ये देखें हमजा लोग कहाँ चले गए, जी इधर चले गए, अली हमजा ये सारे इसके अंदर घुस गए शावर के पास। शावर है क्या बोलते हैं भाई इसको, जो भी अच्छा है। चलो और मीर मेरे साथ घूम रहे हैं। चलो जी जी बाबा, देखो कैसे छोटा सा है बिल्कुल। दुआ नहीं आती यार, दुआ रोती है माँ के अलावा ना, सोचे माँ को चिपकी रहती है, बस उसका काम ही यही है सारा दिन। बाकी ये चलो सही है, ये खेलते हैं। क्या हुआ? उधर उधर है भाई, वो रहा आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? क्या बोला? क्या करे? यहीं पर आके कपड़े धो ले, बस अली के काम देखो, बोलते मम्मा को बोलते यहाँ पर आके कपड़े धो ले। ये भी सही, सर्फ भी पड़ा हुआ है हाँ वो झाग करने के लिए, सही है भाई। और स्मेल ना हो इस वजह से, सर्फ से स्मेल नहीं होती ना इस वजह से। अरे यार तुम आई कब थी जो गटर वाला पानी बन गया था यार, झूठ नहीं बोला करो। मीर आ जाओ इधर चले, मीर आ जाओ इधर चले, आ जाओ। कब जी तो यार इस पार्क का नाम है जमजमा पार्क, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ती है, 2-3-5-4 में लगते हैं वॉक करते हुए अगर आए तो हम लोग। जी हाँ हाँ बाद में झूले, अली वो उसको पकड़ो मीर को। और ये जो ना बहुत ही जबरदस्त पार्क है, और पहले ऐसी नहीं होती, अभी और भी बहुत कुछ करे। ऐ छोड़ो छोड़ छोड़ दो छोड़ दो। ये झूले नहीं है, ये जिम जिम है बड़े बंदों की। पहले इस पार्क में इन दिनों में बहुत रश हुआ करता था, लेकिन बाद में ऐसा ऐसा फैमिली यहाँ पर आना बंद कर गई, मतलब अभी आती है लेकिन उतनी नहीं आती पहले, क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत मतलब स्विच हो रहा पानी ये वो होता, तो अभी आती है उतनी नहीं आती, और पहले बहुत कोई दुकान था, अभी तो हर बंदा बिजी हो गया, अभी ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन शुरू शुरू में बहुत बिजी होती है पार्क भाई। पहले जो ना यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हुआ करती, ये भी बनी है, ये हो गया सामने स्केटिंग बोर्ड, जो ना जो बच्चे स्केट कर रहे हैं वो पहले यहाँ पर था, ये यहाँ पर जो ना उसी को जगह उसी जगह को यहाँ पर ये मतलब ये क्या करे हाँ फुटबॉल का बना दिया अभी इन्होंने, तो हाँ तो चलो सही है जो भी अच्छा है। तो यार आगे झूले हैं, अभी झूलों की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर जाके बच्चों को थोड़े से झूले खिलाते हैं फिर क्या चलते हैं। तो यार यहाँ पर ना बच्चों के लिए खेलने के झूले भी हैं, तो थोड़े से इनको झूले। अरे कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए? वो लगता है पहले वो रहा हमजा, वो रहा सारे ये रहे।
तो चलो अंदर चलते हैं। दादा बल्कि मेरे पास ही है। तो भाई अभी जो ना हम लोग आ रहे हैं इधर और इसके ऊपर सोच रहे हैं बिठा दे कि वे फादिया आप नहीं कर पाती, आप रोगी। चलो दो बंदे बैठे थे एक के ऊपर, दो बच्चे एक पे एक ही बैठे जाए तो। अच्छा पहले जाओ तुम दोनों, जाओ जाओ ठीक है, एक मिनट बिठाओ इनको बिठाओ। भाई साहब हमजा और दद्दा बैठे हैं इधर अली के सामने से टिकट लेने, फिर ये वापसी आएगी तो फिर अली को बिठाएंगे। ये हाँ पी पी पे आप नहीं बैठ सकते, ये पानी गंदा देखे आप इसके गिर जाओगे। वो तो कहा हमजा और दद्दा चला रहे हैं, हमजा और दद्दा फंस गए वहाँ पे, रोना पड़े बस, मुझे डर है इसका। ओहो हमजा या दद्दा को लेकर आओ, जाओ जाओ लेके आओ लेके आओ उसको। आ रही है समझ आ गया उसको डड्डू। मीर वो देखो दादा कितने मीर, ये देखो उई। नहीं नहीं जाओ 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 खेलो। ओ भाई साहब वो हमजा भी एक ही जगह पे झूल रहे हैं। पी भी ये दोनों अभी बाहर आ गए, अभी अली की बारी है, अली झूल रहा है इसके अंदर। क्या हुआ क्या हुआ, हाथ दे आपको अले, कैसे देगा आप लोगों को हाथ, अली इनको हाथ दे यार, हाथ दो देखते लगा सकते हैं। चलो फिर यहाँ पे हमने मीर 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 काट काट लिया मीर, हम तो उसको चलाने दो, रुकियो चलो जा, वो आ गई जा, इसको बिठा दो यार जा भाग। ओ अच्छा रुक जा, वो आ जा फिर। ओ ओ उन्होंने हैंडल निकाल दिया मीर हमजा हमजा उसको छोड़ दो, हैंडल को छोड़ हमजा आप छोड़ दो। तो ये गए भाई दोनों, रुक जाओ अभी दूसरी वाली खाली होगी फिर आपको बिठाऊंगा। वो देखो वो दोनों तो वो जा रहे हैं मीर और हमजा। नहीं पकड़ना नहीं है। जी भाई साहब, ओ भाई साहब ये रहे दोनों। वो देखो फादिया आप हट जाओ अभी, उनको खेलने दो। ये आ गए मीर। बस अभी उतरो मीर, यार उतर करो, अभी फादिया के साथ बैठ जाओ। मीर बैठे, चलो बिठा दो ना दो पंद्रह जगह, चलो बैठ जाओ जाओ। नहीं कुछ नहीं करता वो, बैठ रहेगा, चलो खेलो चलो जाओ। हमजा तो यार ये दो दो सौ रुपये लेते हैं, मतलब एक राउंड का जी। क्या है जंपिंग, नहीं जंपिंग की हालत देखिए कैसी है गाइस, यहाँ के जंपिंग देखें, परसों भी आपने देखे और ये देखो। चलो जो भी अच्छा है यार। हाँ ठीक है भी ठीक है, चलो अभी रुक जाओ। हाँ बस रुक गए इनकी गाड़ी भाई, अभी इनको चल के निकालते हैं इसमें से, बस। चलो आ जाओ मीर। अबे यहाँ पे सारे बच्चे जंपिंग कर रहे थे, मैंने बोला मीर को भी ले जाओ, मीर जाओ इसको भी ले जाओ। हाँ सही है खेलता रहेगा, खैर है आराम से, अली इसको भी ले जाओ। चलो मीर खेलो खेलो आप। चलो यहाँ पे स्लाइड हुए सेम, क्या हुआ। कौन, अच्छा खैर है चलो जाओ। मीर का ख्याल करना, मीर आगे खेल रहे, मीर ये रहा, मीर इधर आ जाओ। मीर भैया अभी वापसी आ गया क्योंकि ये तो नहीं खेल पता, छोटा है भैया। मीर को जो ना इधर खाएंगे थे, मीर इधर खेलोगे, हाँ खेलोगे ये, हाँ ये वाला खेलोगे। अच्छा रुको रुको एक मिनट। तो यार अभी हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि मीर रोने लग गया था, अभी देखा चुप कर गए, मम्मा 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 मम्मा। तो अभी घर चलते हैं, और फिर वैसे भी यहाँ से जाना ज़रूरी है क्योंकि भाई बच्चे एक दो हज़ार तो यहाँ पे ऐसे उड़ाते हैं ना पता नहीं चलता, ये जाओ वो जाओ, तो इस चक्कर में। खैर ये देखो ये यहाँ पर है, अभी यहाँ से निकलते हैं गाइस घर चलते हैं, क्योंकि मैं जितनी देर यहाँ पर रुकूँगा मेरे पैसे ये और निकालते रहेंगे। क्या हुआ, दादा नाटक कर रही हो, मारे चलो दोनों नाटक बाज, चलो आज जल्दी आओ। भाई साहब जैसे ही घर पे हूँ तो अभी पता चला कि हमारे घर का पानी ख़त्म है, और पानी भरना है, सब्ज़ी लेनी है, उसके बाद मीर का दूध लेना है, दही लेनी है,
और पता नहीं कैसे कह लेना, तो सारा दिन काम 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 था। चलो अच्छा है, चलो वॉकिंग टॉक हो रही है, तो अभी चलते हैं पानी भरते हैं और सब्जी लेनी है और दही वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। यार आज यासिर नहीं है, यासिर की शॉप उधर है, लेकिन यासिर आज है नहीं, तो मैं आज उसके साथ वाले उसके पड़ोस में सब्ज़ी ले रहा हूँ। अभी यहाँ से हमने लिए बैगन और आगे से पकड़ते हैं पुदीना। ये रहा पुदीना, पुदीना डाल दिया, ये भी हो गया। लहसुन डाल दो, नहीं है, चलो मेहरबानी भाई, इतना काफ़ी है बस। तो यार यहाँ पे पानी आ गया, दूध दही और हमारी सब्ज़ी सब कुछ आ गया। अभी चलते हैं घर और उनको देते हैं, लग रहा है फिर कोई और काम ना हमें बोल दे। चाहे नहीं तो आज के व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, बल्कि एंड नहीं, एंड के अंदर हम आखिरी बातें कर लेते हैं जो कि करना ज़रूरी है। मैं काफ़ी दिन से नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये खुद चुप हो जाएंगे लेकिन नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा कि यार ये आज नहीं तो कल, एक दो तीन चार चलो पाँच वीडियोज़ बनाएंगे लेकिन छोड़ देंगे, लेकिन नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और सबसे पहले भाई आ जाते हैं हमारे मामू पर, मामू नदीम पर आ जाते हैं भाई। मामू नदीम तो भाभी फातिमा के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अभी मैं इनको क्या बोलूँ, देखें एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं इज़्ज़त भी इनकी बहुत करता हूँ। मैं इनसे काम टेलर का सीखता था लेकिन खैर वो नहीं सीख पाया, तो अभी इनको क्या बोलें, ये डेली आकर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मुझे समझ आ रही कि कर रहे क्यों हैं। इन्होंने सितारा की बारी पे भी ऐसे ही किया था, फिर बाद में सॉरी करके निकल गए, और उसके बाद जब ये मतलब हमें फिर भी तरस आता था यार, मामू हैं जो हैं बड़े हैं हमसे। मैंने उनको अपनी वीडियोस में लेना शुरू कर दिया था, मुझे लोग गालियाँ देते थे फिर भी मैं बोलता यार इसने सॉरी कह लिया, काफ़ी लोगों ने माफ़ भी कर लिया, चलें कोई बात नहीं बड़े हैं मुझसे कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम पर भी इन्होंने यही किया था, अभी भी ये सेम टू सेम वही चीज़ कर रहे हैं। चले मुझे ये बताएं कि फातिमा ने आपको क्या कहा था भाई, फातिमा ने कभी आपको गाली दी हो, आपको कभी खाना ना दिया हो, मतलब जब भी आप यहाँ पर हैं आपने कुछ डिमांड किया था आपको वो बना कर दिया है, और कभी मतलब आपके खिलाफ़ कोई वीडियो बनाई हो, कभी कुछ किया हो, कुछ भी मतलब किया हो तो आप मुझे एक बार बता दें भाई। ये डेली आकर उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, डेली आके बुराई कर रहे हैं, तो ऐसे बंदों को भाई क्या बोल सकते हैं। मैं तो भाई यही बोलूँगा, मामू देखें मैंने एक बार जो ना सब कुछ भुला के आपसे जो ना मामू वाली बातें की थी, मतलब मामूगिरी में आके आपसे सुलह कर ली थी, लेकिन अभी जो ना मेरी तरफ से आपको सलाम है, जैसे आप सलाम करते तो मेरी तरफ से आपको सलाम हो गया। आज के बाद हमारा भाई आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ पर आएँ जहाँ जाएँ अभी हम आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जब हम मेरे घर को नहीं छोड़ रहे तो आप किसी के घर को भी नहीं छोड़ोगे। कल को मेरी वाइफ पर आ जाओगे, किसी और पर आ जाओगे भाई, डेली आप उसके ऊपर बातें कर रहे हो। आपने एक वीडियो बनाई, दो बनाई, चले आपने एक दो बनाई खैर हो गया, लेकिन आप डेली आकर अभी उसको बोलो कि वो यूँ है वो है, भाई आपका क्या लेना देना इन चीज़ों से, मुझे आप ये बताएं। हम में से हमारे पूरे घर में से कोई आपके ऊपर वीडियो बना रहा हो, आपके वाइफ पर किसी के ऊपर कोई बात कर रहा हो, फिर तो करें, लेकिन आप डेली एक ही चीज़ को घसीट रहे हैं। तो बस इसी से अभी मैं आपको कुछ नहीं कहता, उम्मीद है कि आज के बाद आप ऐसी कोई वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि बड़े हैं तो बड़ों को समझ आ जानी चाहिए कि भैया हम क्या बोलना चाहते हैं, और ना ही मैं यहाँ पर आपकी कोई बुराई करना चाहता हूँ। एक बड़े होने की वजह से आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए मैं आपको इस बार कुछ नहीं बोल रहा, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के आगे से आप कोई वीडियो भी नहीं बनाए, और आज से हमारा भैया आपका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम छोटे हैं फिर भी जो ना बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं सोचते हमारे घर के बारे में। अब इतनी हद तक चले गए हैं, कभी उसको बोले हुए भूरी है ये है वो है, अली की भी बात लेकर रहे, अली यहाँ पर सहमा हुआ रहता है, क्या सहमा हुआ रहता है मामू आप मुझे ये बताएं। आप ऐसी बातें करते हो ताकि घरों इनके घर पे सारी कंट्रोवर्सी, यहाँ पे अभी सारे लोग जितने भी हैं ना हमदर्दी जताने के बदले तंजबाजी भी कर रहे हैं, मतलब बात ऐसे करते हैं कि हम फातिमा हम आप साहब आपके साथ हैं, लेकिन तंजबाजी करके ना वो अपने दिल की हब्बस निकाल रहे हैं, सब अपनी औकात दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं दिखाते जाए। मैं इस टाइम अकेला बैठा हूँ, और मैं बैठा हूँ, मैं इनके साथ हूँ, सबके साथ हूँ। आज के बाद जो भी बोलेगा मैं उसको यहाँ पे आके गालियाँ दूँगा, सीधी सी बात है। मैं अभी ये नहीं देखूँगा कि भी मेरा यहाँ पर फ्यूचर क्या है, यूट्यूब पे ये है वो है। आज के बाद अगर आप लोगों में से किसी की वीडियो आई तो मैं आप सबको गालियाँ दूँगा, सीधी सी बात बोल। उसके बाद आ जाते हैं डीडी साहब पर, डीडी को भी अभी भाई क्या बोलें। देखे एक बंदा, शादी भी तुमने की, सब कुछ किया भी तुमने, और ऊपर से तुम्हारी सालियाँ जो न्यू नई सालियाँ भाई, एक तो मेरी वाइफ है ये नई सालियाँ, उनसे वीडियोस बनवा रहे हो, खुद भी बना रहे हो, और पता नहीं क्या से क्या, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा तुमने, तो
तो पता नहीं है कौन सी लाइन में आ गए अभी, इसको मतलब कोई बात समझ ही नहीं आ रही। तो भाई तुम चाहते क्या हो, सीधी सीधी बात करो, ये अभी क्या आपने भी ये क्या हुआ। मैं चाहता था इसको कॉल भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई ये यहाँ वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग ये सब कुछ करके डाल देंगे भाई, क्योंकि मैं अगर कॉल करता तो शायद हो सकता है हाइपर हो जाता, गाली देता, कुछ कर देता, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। नहीं, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये वहाँ पे गए तो मैं नहीं चाहता कि इनसे कोई ज़्यादा बात बात हो कुछ हो, तो जितना हो हम लोग साइड पर हों। और डीडी साहब, मैं आपको अभी यही बोल रहा हूँ कि अगर आज के बाद आपके सालियों में से कोई भी आई तो मैं अभी उनको भी गालियाँ दूँगा, मैं रिएक्शन नहीं दूँगा, मैं अभी गालियाँ दूँगा सीधा सीधा, क्योंकि आप लोग सीधी बात किसी की समझते नहीं हो, इंसानियत की मतलब कोई अच्छी सी बात आपको समझ ही नहीं आती, आपको मतलब ज़रा सी भी मतलब थोड़ी सी कोई गैरत नहीं रह गई थी कि भाई आपकी वाइफ के बारे में वो ऐसा बोल रही है, ये है, आप उनके साथ हाथ के मिल रहे हो, एक तो आपने शादी कर ली, चलें ठीक है अभी आपने शादी भी कर ली, ऊपर से गंदा भी हमें ही कर रहे हो, तो ठीक है भाई गलती आपकी है सब कुछ है, अगर आपको ज़्यादा भी कुछ अभी आप कुछ ज़्यादा करोगे ना भाई, मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊँगा, ठीक है आओ अपनी बीवी बच्चों को संभालो, खुद जाओ इनका राशन वाशन लो, सब कुछ लो, सब कुछ करो, एक तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऊपर से मुझे सबकी बातें सुनने से मतलब है गाइस, यहाँ पे अभी कोई भी वीडियो बनाता है ना तो इधर घर में ये शोर, देखो उसने वीडियो बना दी, तुम्हारे भाई ने वीडियो बना दी, सारे यहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं, और उधर से भी मतलब कोई चुप नहीं करते, सारा मतलब मेरे मैं अपने व्लॉगिंग हंसते हुए बनाता हूँ ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो ख़राब ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बोरिंग ना लगे कहीं, किसी को कुछ ना लगे, ये नहीं है कि घर पर कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि जब भी आपको पता है किसी की रिएक्शन वीडियो कुछ आता है तो सारे मामू बना देते, तो तब भी ये घर पर होना शुरू होते, देखो तुम्हारे मामू ने भी बना दी, उसने भी बना दी, उसने बना दी, तो मैं अभी क्या बोल सकता हूँ, मैं बोलता हूँ दफ़ा करें दफ़ा करें दफ़ा करें, लेकिन क्या कितनी बार बोलूँ भाई एक दिन में। मैं यहाँ पे घर का माहौल जो ना बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर भाई चलो आप लोग छोड़ो, आप लोग घर का माहौल नॉर्मल रखो ये वो, लेकिन ऐसे ये रिएक्शन सारे मतलब सब पूरे उठ के आ गए एक एक झुंड करके, तो इनको अभी जो ना इंसानियत की बात समझ नहीं आ रही, अभी मैं इनको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद ये कुछ भी बोलेंगे तो गाइस उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो चैनल बना के ना इन सबको गालियाँ दूंगा, ताकि इनको वो बात समझ आए, भले वो डीडी हो, डीडी की नई वाइफ हो, डीडी की नई सालियाँ हो, जो भी हो, मैं सबको ये बोल रहा हूँ। और अभी आपकी कोई भी वीडियो आई हमारे ख़िलाफ़, अगर कोई भी ज़रा सी बकवास हुई तो जैसे बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से होता, तो अभी आप उसके लिए तैयार रहिएगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज के खिलाफ आज के बाद हमारे खिलाफ आपकी कोई वीडियो नहीं चाहिए, हम जब आपके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, एक तो आपने ये मतलब खुद से एक क्या बोलते हैं प्रोग्राम बना लिया, शादी वादी करवा ली, सब कुछ कर लिया, और गंदा भी हम ही कर रहे हैं, मतलब गंदे भी हम ही हैं, सही है, चलें ठीक है भाई, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह हर चीज़ का इंसाफ करने वाला है, बिल जो ना अल्लाह की लाठी पे आवाज़ होती है, हम सब्र करेंगे और अल्लाह ताला इनको एक दिन इनके मुंह पे जो ना मुंह के बल गिराएगा इनको इंशाल्लाह, क्योंकि हर झूठे इंसान का एक ना एक दिन अंजाम आता ही आता है। तो यहाँ पर और भी बहुत हैं भैया, आज के बाद किसी को भी ज़रूरत नहीं है हमारे मतलब हक में बात करने की, जो हमारे रिश्तेदार हैं मैं उनकी बात करूँ, वो हक में बात नहीं करते, वो तंजबाजी करते हैं, तो आपके तंजबाजी वाले ऐसे जो ना वो क्या बोलते हैं हम आपके हौसला अफजाई करें भाई, हमें आपके हौसला अफजाई कुछ नहीं चाहिए, आप अपने काम से काम रखें, क्योंकि आप अपने हौसला अफजाई के चक्कर में 10-12 तंजबाजे और ये कर चीज़ें करके चले जाते हैं। तो गाइस बस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद है कि बस अच्छी क्या लगी होगी, बातें तो सारी पूरी हैं, चले मिलते हैं। मैं वीडियो बना रहा था मुझे, लेकिन एक बात भूल गई, मैंने शाहबाज़ के ऊपर बात नहीं की थी, तो शाहबाज़ पर मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको एक समझा रहा हूँ कि भाई आप जो ना डीडी वाले मामले से बिल्कुल साइड पर हो जाएं, वो इसलिए कि क्योंकि गाइस ये इन दोनों का आपस में उठना बैठना बहुत ज़्यादा हो गया था, और जैसे इसको डीडी के बारे में पता है, डीडी को इसके बारे में पता है, तो इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है, तो ये दोनों एक दूसरे को ना बहुत आगे तक और मतलब बहुत ही गंदा कर देंगे, तो इसलिए शाहबाज़ को मैं यही बोलना चाहूँगा भैया आप जो ना इस मामले से साइड पर हो जाएं, क्योंकि आपकी उसको बहुत सारी बातें पता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें आपकी भी यहाँ पर आएँ या कुछ आएँ, तो आप भी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग उसको समझा रहे हैं शाहबाज़ तुम नहीं करो नहीं करो, तुम्हारी बातें हम सब ने रोका कि भाई तुम नहीं करो, लेकिन वो भी जो ना मतलब कंट्रोवर्सी आ के वो जो दूसरी बातें, मैं तो एक भाइयों जैसे समझा रहा हूँ कि आप नहीं करें चीज़ें, क्योंकि डीडी और इसका आपस में उठना बैठना बहुत ज़्यादा था, और इन दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत ज़्यादा पता है, तो अभी ये सब जब चीज़ें शुरू ने मैंने देखा, आज भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जो कि वो हालांकि गलत गंदा तो अपनी बहन को कर गया, लेकिन वो ऐसा करते करते बहुत आगे तक निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि शाहबाज़ और इन सब की आपस में कंट्रोवर्सी और
बहुत आगे तक चली जाए। तो इसलिए शाहबाज से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप जो ना इन चीज़ों से पीछे हट जाएँ, क्योंकि मैं जो ना आप सबके मतलब एक भलाई के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको भी, आप भी समझदार हो, आपको भी सब बातों का पता होगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक।